तो अभी सुबह सुबह निकला हूँ तो MG मार्ग में थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लेता हूँ, और अभी हल्का हल्का ठंड भी है, ये जैकेट पहना हूँ, थोड़ा हल्का हल्का ठंड लग रहा है। तो अभी MG मार्ग से जस्ट थोड़ा सा आगे आया हूँ, पी रहा हूँ चाय सुबह सुबह, सुबह का अभी तक 7 भी नहीं बजा है। पूरा रोड बराबर ये फ्लावर रखा हुआ है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर फिट कराना पड़े तो इसके लिए ये काउंटर है। तो ये जगह देखिए, ये पार्क कितना सुंदर पार्क है, और मेरा होटल यही वाला है। देखिए ये जो बस है, ये मेरा बस है, काउंटर में गया था, वहाँ से नंबर बोल दिया। तो कुछ इस टाइप का है आपका, ऊपर लगा सकने का जगह बिल्कुल नहीं है, लेग स्पेस तो सही है। तो देखिए यहाँ पे घर भी है, एकदम नदी किनारे घर बना हुआ है, वो देखिए। गुड मॉर्निंग, तो अभी सुबह का बज रहा है 6:30 और मैं निकला हूँ होटल का रूम से। अभी सुबह सुबह थोड़ा टहलूँगा, तो अभी सुबह सुबह निकला हूँ तो MG मार्ग में थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लेता हूँ, और साथ में ब्रेकफास्ट का ऑप्शन भी देखता हूँ। इतने सुबह तो मुझे नहीं लगता कुछ ब्रेकफास्ट का ऑप्शन मिलेगा, और अभी हल्का हल्का ठंड भी है, ये जैकेट पहना हूँ, थोड़ा हल्का हल्का ठंड लग रहा है। तो MG मार्ग में दुकान पाट अभी सभी बंद है, कुछ भी दुकान पाट खुला नहीं, सभी लगभग 9 बजे तरफ खुलता है। देखिए रेट पंडा, तो सुबह सुबह हो रहा है कृष्ण भजन। तो अभी MG मार्ग से जस्ट थोड़ा सा आगे आया हूँ, और इस तरफ कुछ रोड इस तरीके का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैठने का जगह है, इस तरफ गाड़ी जा रहा है, टैक्सी वैक्सी जा रहा है। तो अभी देखता हूँ ब्रेकफास्ट का कोई ऑप्शन मिला तो, क्योंकि मेरा बस है 9 बजे, तो 8 बजे निकलना पड़ेगा। और सुबह सुबह ट्राई कर रहा हूँ कुछ खा के निकलने के लिए, क्योंकि ये पहाड़ी रोड है, तो बिना खा के बस में चढ़ने से बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा कुछ खाना बहुत ज़रूरी है। बट ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा, एक भी दुकान खुला नहीं है, सब बंद है। तो मैं अभी आया हूँ MG मार्ग का दूसरा साइड पे, जहाँ से एंट्री होता है, मतलब जहाँ पे फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, उस तरफ नहीं, उसका दूसरा साइड में ये मॉल रोड है। और यहाँ पे भी बहुत सारे, देखिए दोनों साइड में होटल वगैरह है, वो होटल देखिए कितना सुंदर है, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है वहाँ पे, देखिए रेस्टोरेंट होटल सब कुछ है। MG मार्ग का ऑपोजिट साइड बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे भी होटल वोटल सब कुछ लिया जा सकता है। आई होप कि यहाँ का होटल थोड़ा कम होगा रेट कंपेयर टू MG मार्ग में जो होटल है उसके मुकाबले, और नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तब इस साइड रहने की कोशिश करूँगा। तो मेरा होटल भी अच्छा ही है, जिस होटल में रह रहा हूँ अभी 1500 रुपये ले रहा है। होटल में डिटेल्स में किया हूँ, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो वो होटल भी अच्छा ही है, थोड़ा सा साइड से जाना पड़ता है, बट होटल का लोकेशन बहुत अच्छा है, मतलब मेरा रूम से एकदम MG मार्ग पूरा अच्छा से दिखाई देता है। तो इस रोड में तो कोई ब्रेकफास्ट का ऑप्शन नहीं मिला, अब आगे जाके देखता हूँ, कुछ मिला तो थोड़ा अंदर नीचे जाके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये रोड पे चल रहा था, ये जो मॉल रोड है वहाँ से चल रहा था, तो यहाँ से नीचे आया। अब ये वाला जो है, इसके अंदर मैं गया था, इसके अंदर ब्रेकफास्ट का ऑप्शन मिल रहा है, रोटी सब्जी। अभी 6:45 हो रहा है, मतलब 7 भी नहीं बजा है, तो 7:15 में आने के लिए बोला है। अब 7:15 में आता हूँ, और मिला तो रोटी सब्जी खा लूँगा। तो यहाँ पे मिल रहा है चाय, तो अभी MG मार्ग में पी रहा हूँ चाय सुबह सुबह, सुबह का अभी तक 7 भी नहीं बजा है। चाय भी अच्छा खासा टेस्टी चाय बना है, और हल्का हल्का ठंड है, तो MG मार्ग में बैठ के सुबह सुबह चाय पीने में बहुत मज़ा आ रहा है। और इधर आपका कितना सुंदर सुंदर फ्लावर रखा हुआ है, रोड का पूरा रोड बराबर ये फ्लावर रखा हुआ है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत तरीके का फ्लावर है हर जगह पे। और यहाँ पे बैठने का, मतलब रोड का दोनों साइड में फ्लावर है, फ्लावर के बगल में बैठने का जगह है। तो अब चलता हूँ आगे, आगे जाके थोड़ा आगे टहल के आता हूँ। और इधर देखिए, यहाँ पे आपका ब्रेस्ट फीडिंग का काउंटर बना हुआ है, जो लोग घूमने आता है वो लोगों को
अगर फिट कराना पड़े तो इसके लिए ये काउंटर है। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला काउंटर है बहुत अच्छा है। जो लोग बाहर से आता है, अचानक छोटा बच्चे हो साथ में, अचानक ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़े, काउंटर के अंदर जाके करा सकता है। और मेरे पीछे देखिए टूरिज्म हेल्प सेंटर है, देखिए कितना सुंदर से सजा हुआ है, यहाँ पे फ्लावर वगैरह कितना सुंदर लगता है देखने में। देखिए तो ये जगह देखिए, ये पार्क कितना सुंदर पार्क है, और मेरा होटल यही वाला है। देखिए वो रहा मेरा रूम, तो ये वाला है मेरा रूम, ये ठीक जहाँ पे मैं उंगली रखा हूँ वहीं पे, ये वाला होटल है आपका, वहाँ पे जो लिखा हुआ है कोजी रेसिडेंसी, ये वाला, इसके यहाँ पे जाना है, अंदर रिसेप्शन है और ये रहा होटल। तो होटल का जो लोकेशन है बहुत अच्छा लोकेशन है एकदम, होटल से अब एक दो दिन रहने से और अच्छा लगता, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो पैदल चलते चलते मैं आ चुका हूँ एमजी मार्ग का, जहाँ जिस साइड से एंट्री लेते हैं एमजी मार्ग में, उस साइड में देखिए यहाँ पे है फ्लैग, इसी साइड से आपका एसएनटी जो बस स्टैंड है वहाँ जाना पड़ेगा। और यहाँ पे है महात्मा गांधी का मूर्ति, बहुत सुंदर सा, ये रहा मूर्ति, यही आपका एमजी मार्ग। और यहाँ पे आपका टूरिस्ट सेंटर है सिक्किम का, तो हर तरीके का इंफॉर्मेशन सिक्किम का और बाकी जगहों पे जाने के लिए यहाँ से आप लोग इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। तो ये जो गैंगटॉक का एमजी मार्ग है, ये गैंगटॉक का मेन जगह है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे होटल में आप लोग रह के पूरा एक दिन बिता सकते हैं। तो ये वाला है द ड्रैगन वॉक रेस्टोरेंट, यहाँ पे आपका ऑथेंटिक चाइनीज़ एंड जापनीज फूड मिलता है। तो मुझे सुशी खाने का बहुत मन है, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में ज़रूर ट्राई करूँगा। तो फिर से आके इस दुकान से रोटी और चना का सब्जी खा लिया, तो फटाफट जाऊंगा होटल, होटल में जाके पैकिंग करके सीधा निकलना पड़ेगा बस स्टैंड के लिए, मतलब एसएनटी बस स्टैंड के लिए। तो सुबह सुबह जो मिला वही खा लिया, और रोटी तो ठीक था, बट वो छोला का सब्जी बहुत सूखा सूखा था, बट अब दूसरा के ऑप्शन भी नहीं था तो वही खा लिया। अब फटाफट होटल में जाके करता पैकिंग, उसके बाद निकलना है सीधा बस स्टैंड के लिए, एसएनटी बस स्टैंड। ये वाला भी मैं रेड बस में बुक किया था, आते समय तो स्कैम हो गया, अब जाते समय देखता हूँ कि होता है कि नहीं होता है। हालांकि ऑपरेटर अलग है, ये आपका एसएनटी का गवर्नमेंट वाला ऑपरेटर है, रेड बस से बुक किया था, उम्मीद है कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो मैं हो चुका हूँ रेडी, अब फटाफट जाता हूँ एसएनटी, पैदल ही जाऊँगा, यहाँ से लगभग 11 मिनट जैसा लगेगा, 9 बजे बस है, अभी बज रहा है 8:15। तो अब सामने से आपका जो ओवरब्रिज है वो क्रॉस करके जाना है एसएनटी, तो फिर से ओवरब्रिज क्रॉस करके जा रहा हूँ। नीचे से जाने का ट्रैफिक रूल नहीं है, ये रहा नीचे, इधर से जाके उस साइड होगा। तो ये है आपका टैक्सी स्टैंड गैंगटॉक का, तो इधर सामने ही है एसएनटी बस स्टैंड, सामने आपका वो रहा एसएनटी बस स्टैंड, ये रहा आपका एसएनटी बस स्टैंड, ये टिकट काउंटर है, ये सब बस है। तो मैंने तो रेड बस में बुक है, फिर भी एक बार काउंटर में चेक कराऊंगा, नहीं तो आते समय जो स्कैम हुआ था वैसा स्कैम ना हो जाए। देखिए ये सब है बस सिक्किम गवर्नमेंट का बस, लेकिन अच्छा है, कंफर्टेबल है, अब अंदर जाके देखूंगा कितना ज़्यादा कंफर्टेबल। तो ये जो बस देख रहे हैं ये है गैंगटॉक टू सिलीगुड़ी का एसी बस, देखिए एसी सुपर डिलक्स, अंदर देखिए 2x1 सीट। तो इसका टाइमिंग है, एक है 10 बजे के बाद और एक है 12:45 में, तो लेट से है, मेरा बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए इस बार मैं जा रहा हूँ नॉन एसी बस में, अगले बार मैं इस एसी बस में ट्रैवल करूँगा। तो ये देखिए ये जो बस है ये मेरा बस है, काउंटर में गया था वहाँ से नंबर बोल दिया 286, ये रहा बस, 9 बजे छोड़ेगा और लगभग 4 घंटा लगेगा पहुँचने में, तो अंदर जाके सीट पर बैठता हूँ। तो मैं बैठ चुका हूँ अपनी सीट पे और बस का इंटीरियर कुछ इस टाइप का है, तो कुछ इस टाइप का है आपका, ऊपर लगा रखने का जगह बिल्कुल नहीं है, 2x2 सीट है, लेग स्पेस तो सही है,
बट ऊपर कोई लगेज रखने का जगह नहीं है। तो ये जो रेड बस है इसमें आपका फेयर लिया था, ये वाला में जो सिक्किम का है इसमें फेयर लिया था 190 रुपीज़ और 20 रुपीज़ आपका GST और कॉन्वीनियंस फीस, टोटल मिला के आपका लगभग 210 जैसा लिया था, 209 एक्चुअली लिया था। तो बस जो है हमारा छोड़ दिया है SM की बस स्टैंड से, तो 9:10 बज रहा है, लगभग 10 मिनट लेट से छोड़ी है। तो जाने का शुरुआत बहुत स्मूथ हुआ है और यहाँ पे जो इस बस में मैं देख रहा हूँ कॉन्डक्टर जो है वो ऑनलाइन जो टिकट काटा है उसका एक प्रिंट आउट लेके आए। आते समय जो सिलीगुड़ी से गैंगटॉक आते समय जो स्कैम हुआ था तेंजिंग नोर के बस स्टैंड का जो ऑफिसर रास्ता, ऐसे नहीं वो लोग तो चढ़ने ही नहीं दिया, एक्चुअली वही लोग स्कैम किया था, लेकिन यहाँ पे प्रिंट आउट लेके आया है और ऑनलाइन का पेपरनेस पहले है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग अगर सिलीगुड़ी से गैंगटॉक या तो फिर गैंगटॉक से सिलीगुड़ी जा रहे हैं आ रहे हैं तो ऑनलाइन काटने से मतलब रेड बस में काटने से आप लोग SMT वाला बस चूज़ करिएगा, वो अच्छा रहेगा। एक तो आपका बस को बहुत कंफर्टेबल है, फेयर भी कम है, बस ओनली ऊपर जो है वो लगेज रखने का जो जगह है वो नहीं है, बट लेकिन लेग स्पेस बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मैं अगर बोलूँ आपको तो आप SMT वाला जो बस है वही चूज़ करिएगा, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। वो तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड में है, उसका बस भी घटिया है, बहुत घटिया सर्विस है, बहुत ही अनकम्फर्टेबल जर्नी था वो। और आप लोगों ने अगर वो जर्नी नहीं देखे मैं आई बटन में दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। और यहाँ पे रोड क्रॉस करने का ये सब ओवर ब्रिज जो है इसी से क्रॉस किया जाता है। ये आपका रामाडा होटल, ये रहा रोपवे लाइन। और सिक्किम में आपका कुछ खास करके गैंगटॉक में ये जो बगल में ये पैदल चलने का अलग सा एक फुटपाथ जैसा रोड बना हुआ है ये बहुत अच्छा है, पहाड़ में चलने में बहुत सुविधा होता है, मतलब चलने में तो आपका सुविधा होता है, प्लस डर भी नहीं लगता है साइड पे गिरने का। तो हम लोग अभी बहुत नीचे आ चुके हैं, तो अब हम लोग गैंगटॉक जो सिटी है वहाँ से बाहर निकल चुके हैं और बहुत नीचे भी आ चुके हैं। तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाया हूँ नॉर्थ बंगाल और सिक्किम का टॉप 22 प्लेस का वीडियो, और हर एक प्लेस का वीडियो 4 से 5 एपिसोड में होगा। तो ये वाला जो वीडियो है ये वीडियो गैंगटॉक का लास्ट एपिसोड का वीडियो है, इस बार का जो गैंगटॉक का ट्रिप है वो लगभग आपका 4 एपिसोड में आएगा। तो ये 4th नंबर एपिसोड, पॉसिबली ये 4th नंबर एपिसोड होगा, मतलब लास्ट एपिसोड। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आपको सिक्किम और नॉर्थ बंगाल का बहुत ही अच्छा अच्छा टॉप 22 टूरिस्ट प्लेस देखने को मिलेगा, और हर एक टूरिस्ट प्लेस का लगभग 4 से 5 एपिसोड आएगा, उसमें आपका रहेगा कैसे मैं जा रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ, क्या क्या खा रहा हूँ, कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, पूरे डिटेल्स में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और एक एक टूरिस्ट प्लेस का लगभग आपका 4 से 5 एपिसोड आएगा, और जहाँ जहाँ ज़्यादा दौरा रुकना होगा वहाँ पे और भी ज़्यादा एपिसोड आएगा और भी ज़्यादा डिटेल्स में वीडियो आएगा। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। तो हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं टनल से, हम लोग अभी पहुंचे हैं सिंगथाम में।
ये नदी शुरू होता है तीस्ता नदी, वो पहले का पुल था जो टूट चुका है, ये आपका पहले का पुल। तो यहाँ से सिलीगुड़ी 87 किलोमीटर, तो नीचे देखिए वो है आपका सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का कैंपस, और ये रहा गेट, ये आपका सिक्किम मणिपाल जो यूनिवर्सिटी है वही है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रोंगपो में, इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे वेस्ट बंगाल में। सामने गेट, तो हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं वेस्ट बंगाल। ये जगह है आपका रोंगपो के बाद कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में घुस चुके हैं। तो बस जो है हमारा मामखोला में रुका है आपका ब्रेक लेने के लिए। तो इधर आपका रेस्टोरेंट है खाने पीने का, ये रहा वॉशरूम, सब कुछ इधर है। 15 मिनट का ब्रेक, तो वॉशरूम थोड़ा सा टॉयलेट कर लिया, वॉशरूम यूज़ कर लिया, एकदम नीचे है। तो यहाँ से लगभग 1.5 से 2 घंटा लगेगा सिलीगुड़ी पहुँचने में। और इधर आपका बहुत नीचे हम लोग आ चुके हैं, और इधर जब ज़बरदस्त गर्मी है। बस हमारा मामखोला से निकल गया है, अब लगभग 2 घंटे जैसा लगेगा। तो वो दूर वहाँ पे देखिए, वहाँ पे रिवर राफ्टिंग हो रहा है। देखिए वो, तो देखिए यहाँ पे घर भी है, एकदम नदी किनारे घर बना हुआ है, वो देखिए। जगह का नाम है मल्ली, उधर से मिलता है जो पंडा। तो इस जगह से आपका रिवर राफ्टिंग करा जाता है। यहाँ पे आपका रिवर राफ्टिंग का ऑफिस सेंटर है, यहाँ जाके आप लोग पैसा देके कर सकते हैं। तो हम लोग अभी पहुंचे हैं तीस्ता बाजार में। हम लोग अभी फंस चुके हैं जाम में, ये कितना ज़्यादा जाम है। तो ये देखिए यहाँ पे रेलवे ब्रिज बन रहा है, तो रेलवे ब्रिज बनाना भी स्टार्ट हो चुका है ब्रिज। हम लोग अभी सेवक तक पहुँच चुके हैं, तो ये आपका सेवक का खाली मंदिर। तो ये रहा सेवक का स्टेशन, तो हम लोग कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे सिलीगुड़ी में, लगभग 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो मैं जर्नी एक्सपीरियंस का बात कर रहा हूँ इस बस में, तो ये जो एसएनटी का बस है गैंगटॉक से लेकर सिलीगुड़ी तक बस जर्नी बहुत कंफर्टेबल था, बहुत अच्छा था। तो इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।